नमस्कार साथियों, मौनीश ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल पर देख भी रहे होंगे कि यूपीटी प्लस सी लेखपाल भर्ती अपडेट, तो क्या है अपडेट, चलिए उसको देखते हैं। हाई कोर्ट की डबल बेंच में SPLA 477 आप 2024 जो कि विंध्याचल वाले प्रश्न को लेकर है, वह अब उसकी सुनवाई 27 मई को, मैंने कल भी अपडेट दिया था। और सुप्रीम कोर्ट में वहीं बात कही जाए तो लेखपाल भर्ती जो है चक्रव्यूह के 7 प्रश्न इन 7 SLP जो है मौके पर, जिस प्रकार से महाभारत में अभिमन्यु के लिए चक्रव्यूह की रचना की गई थी और उसमें 7 द्वार थे, ठीक उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में 7 SLP मौके पर मौजूद हैं। क्योंकि जो डिफेक्टिव लिस्ट में थी वो भी बाहर आ गई सभी, तो चलिए क्या है अपडेट, प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, सबसे पहले तो देखिए आज की डेट की ही है, 25 तारीख को अपडेट है कि स्पेशल अपील SPLA 477 2024 और फर्स्ट ईयरिंग डेट इसकी 13 मई 2024 थी और नेक्स्ट ईयर हियरिंग डेट आपको इस समय मौके पर 27/5/2024, केस इज लिस्टेड इन कोर्ट नंबर 40 एट सीरियल नंबर 36 प्रेस लिस्ट। हालांकि आपको बताते चलें कि 13 मई को भी कोर्ट नंबर 40 में ही और सीरियल नंबर 36 पर ही थी, उस दिन भी पास ओवर हुआ, सुनवाई नहीं। और ठीक उसी प्रकार से 20 को लगी, 20 मई को भी कोर्ट नंबर 40 में ही सीरियल नंबर 37 पर यह केस थी फ्रेस लिस्ट में, लेकिन वहाँ भी पास ओवर। और अब 27 को भी यह कोर्ट नंबर 40 में सीरियल नंबर 36 पर है, मिस फर्स्ट डे जैसे, तो देखने की बात होगी कि क्या इस दिन सुनवाई होती है या ऐसे ही मामले को आगे बढ़ाया जाएगा कि जिससे लेखपाल भर्ती फाइनल ना होने पाए। फिलहाल इनकी देख ही रहे कि कौन है, मुकेश कुमार जी हैं मुख्य पिटिशनर, रिस्पोंडेंट आप देख ही रहे हैं, स्टेट आप उत्तर प्रदेश एंड 3 अदर्स। और इनकी जो आर्डर स्टेटस है उसको देखें तो पहले दिन भी फर्स्ट लिस्ट कार्ड लिस्ट टाइप प्रेस लिस्ट है 13 मई 2024 को पास ओवर PO ऑनरेबल जस्टिस महेश चंद त्रिपाठी, ऑनरेबल जस्टिस अनीश कुमार गुप्ता। सेम वही बात 20 मई 2024 को भी देखिए, शॉर्ट आर्डर PO ऑनरेबल जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी एंड ऑनरेबल जस्टिस अनीश कुमार गुप्ता जी की ही बेंच में, मीन्स दो डेट पे तो पास ओवर ही लिया गया है। अब देखने की बात होगी कि क्या विंध्याचल वाले प्रश्न पर 27 मई को कोर्ट नंबर 40 में सुनवाई होती है या नहीं। और वहीं अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में जो है जिस प्रकार से महाभारत में अभिमन्यु के लिए कौरवों ने चक्रव्यूह रचा, ठीक उसी प्रकार से 7,897 चयनित भाई बहनों के सामने भी ये 7 SLP हैं और लगभग 5 SLP तो 5 या 4 SLP 8 तारीख में सम्मिलित हैं। और जो बात की है उन पर भी एक दो सुनवाई, मैंने किसी न किसी बेंच में जाकर सुनवाई होगी और उसके बाद वो भी उसी में कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। आप सभी 7,800 चयनित लेखपाल भाई बहनों के लिए ये पंक्तियाँ समर्पित हैं कि उम्र थका नहीं सकती,
ठोकरें गिरा नहीं सकती, छोटी मोटी ठोकरें हैं ये आपको गिरा नहीं सकती। अगर आपको जिद है जीतने की तो आपकी जो हार अभी तक हुई है उससे भी ये हरा नहीं सकती। कहने का मतलब कि आपकी जीत सुनिश्चित है। ये सब चक्रव्यूह रचा गया है केवल लेखपाल भर्ती को फंसाने के लिए। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट की अपडेट में अगर बात करें वहीं तो डायरी नंबर 11223 सोलर पंप वाले प्रश्न को लेकर एसएलपी है, वहीं डायरी नंबर 13563 11223 तो शशांक वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश बताई है, डायरी नंबर 13563 जो कि नेशनल हाईवे 2 वाले प्रश्न को लेकर है अनुपम शुक्ला वाली, डायरी नंबर 15474 नेशनल हाईवे 2 वाले प्रश्न को लेकर, इस प्रकार डायरी नंबर 19558। तो ये देख रहे हैं कि चार चक्रव्यूह के प्रश्न यहाँ एसएलपी यहाँ हैं। ठीक उसी प्रकार से डायरी नंबर 18469 कन्या विद्या धन और पूरा वाले प्रश्न को लेकर हैं, डायरी नंबर 20960 कन्या विद्या धन वाले प्रश्न को लेकर है, डायरी नंबर 18122 बॉर्डर स्टेट्स वाले प्रश्न को लेकर है। तो देखा जाए तो ये सब क्यों ऐसा हो रहा है, ये सब कमी तो यूपी TSSC की है। क्या शासन इसके बारे में नहीं सोच सकता कि क्या हो रहा है? सोचना चाहिए। आज लगभग 3-4 माह सर्विस करते हुए होता, लेकिन किसकी खामी है? UPTPLSC की खामी के कारण आज सब घर बैठे, कैसे उनके दिन कट रहे हैं इसको UPTPLSC को क्या या शासन को क्या, किसी को कोई फर्क नहीं। इसलिए अपनी लड़ाई आपको खुद लड़कर जीतना है, हार नहीं माननी है। आप सफल हैं, चयनित हैं, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। ठीक, और फिर हाल अब देखने की बात होगी कि 477 पर जो सुनवाई लगी हुई है 27 तारीख की, जैसे भी क्या सुनवाई होती है या नहीं, जैसे भी अपडेट होगी आपके साथ जरूर साझा करेंगे। बस इतना कहेंगे कि आप संघे शक्ति, संघ में ही शक्ति है। आप चयनित जितने हैं वो एक अपने आप को मान के चलें, आपकी विजय निश्चित तौर पर होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।